दोस्तों आज हमारे राजस्थान ट्रिप का दूसरा दिन और हम अभी जोधपुर के लोकल साइट सीइंग पे निकलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल विद आरडी में आपका स्वागत है। थोड़ी देर में मैं आपको जोधपुर के सबसे बड़े पैलेस यानी उम्मेद भवन पैलेस पे लेकर चलूँगा। और ये जोधपुर का ही सबसे बड़ा पैलेस नहीं है बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा हेरिटेज होटल माना जाता है और भारत के एक चुनिंदा 5-स्टार होटलों में से गिनती होती है। तो हम आपको लेकर चलेंगे उम्मेद भवन पैलेस। तो दोस्तों, शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है उम्मेद भवन पैलेस और ये जो सड़कें हैं हमें उम्मेद भवन पैलेस की ओर लेकर जा रही हैं। और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर पे ये उम्मेद पैलेस बना हुआ है और आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो हीरोइंस की यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते रहते हैं। हाल ही में यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की भी शादी हुई थी तो ये भवन काफ़ी पॉपुलर, उस समय काफ़ी इसका नाम सुनने में आया था। तो दोस्तों चलिए उम्मेद भवन पैलेस की और हम बढ़ रहे हैं और देखिए चिकनी चिकनी सड़कें हैं राजस्थान की सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। और ड्राइवर साहब के अनुसार हमारे सड़क के दाहिने तरफ जो कुछ कॉलोनी दिख रही है वहाँ की जो घर जो हैं, जो भी वहाँ पर डुप्लेक्स और फ्लैट दिख रहे हैं, उनकी कीमत मिनिमम 4 करोड़ रुपये है। यानी कि ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शाही इलाका है, बहुत बड़ा रॉयल फैमिली वाला इलाका है। तो यहाँ पर इतनी महंगाई होना जो है लाजमी है। और वो देखिए हमारा उम्मेद भवन पैलेस हमें दूर से भी दिखाई दे रहा है। तो ये उम्मेद भवन पैलेस जो है एक हेरिटेज होटल है। राजस्थान का पहला महल हम उम्मेद पैलेस देख रहे हैं, फोटो में ही देखे थे। तो दोस्तों ये जो उम्मेद भवन पैलेस है इसे अभी ताज होटल ऑफ ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। ताज होटल यानी ताज होटल्स के बहुत सारे होटलों का नाम आपने सुना होगा, जैसे मुंबई का ताज होटल भी काफ़ी फेमस है। तो ये भी ताज होटल के ही अंडर में आता है और इसकी जो होटल वाली जो ब्रांच है वो ताज ग्रुप्स ही रन करती है। और वैसे उम्मेद भवन पैलेस के एक हिस्सा म्यूजियम है जहाँ पर आम टूरिस्ट जा सकते हैं और बाकी हिस्से पर आम टूरिस्ट के जाने की इजाज़त नहीं होती है। और एक भाग जो है म्यूजियम वाला हिस्सा है जहाँ पर आम टूरिस्ट जाते हैं और दूसरा एक विंटेज कार की भी एक यहाँ पर लाइन लगी हुई है जहाँ पर आप पुराने कुछ कारों के म्यूजियम को देख सकते हैं, इसे बाद में दिखाऊँगा। और ये रहा जोधपुर पैलेस का टिकट काउंटर है, यहाँ पर 30 रुपये की टिकट हमें देनी पड़ी और टिकट तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी उम्मेद भवन पैलेस में और यहां से हम टिकट लेंगे और उसके बाद हम उम्मेद पैलेस के अंदर जाएंगे। दोस्तों ये है उम्मेद भवन पैलेस का मेन फ्रंट व्यू और इसके अंदर इसके 3 भाग हैं। एक रॉयल फैमिली अभी भी यहां पर रहता है और दूसरा हिस्सा जो है ताज होटल चलाता है जिसमें 350 से अधिक रूम हैं। और एक हिस्सा जो है टूरिस्ट के लिए, आम टूरिस्ट के लिए खोला गया, हम जैसे टूरिस्ट के लिए खोला गया है, जो इसके लिमिटेड हिस्से में ही देख सकते हैं। तो चले दोस्तों दोस्तों यहाँ से उम्मेद भवन पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर 30 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट थी। तो चलिए उम्मेद भवन पैलेस यहाँ से काफ़ी सामने अभी दिख रहा है और अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये 30 रुपये की टिकट लेकर हम पहुंच गए हैं इसके म्यूजियम में और यहाँ पर देखिए पुराने ज़माने की बहुत सारे एंटिक पीसेस रखी हुई हैं। वो पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा रहते थे और उम्मेद पैलेस से रिलेटेड, जोधपुर के किंग से रिलेटेड, यहाँ के शाही परिवार से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ, फ़ोटो वगैरह, उस समय की इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो सारा पैलेस घूमने में आपको मुश्किल से ज़्यादा समय तो नहीं लगता, 1 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा पैलेस घूम सकते हैं क्योंकि पैलेस के सभी हिस्सों में टूरिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं है। हमने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि बाकी हिस्से में प्राइवेट एरिया है, वहाँ पर जिनकी होटल बुकिंग जो कर सकते हैं वही वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो अब एक रात के 45,000 रुपये दीजिए और यहाँ पर आराम से शाही स्टाइल में रहिए। यानी कि एक रात की कीमत इस पैलेस में, अगर एक रात आप रुकना चाहते हैं तो 45,000 रुपये इसकी एक रात की कीमत है। और इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, कोई भी मेक माई ट्रिप या गोवा ईबो से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन इतनी महंगाई में हम जैसे टूरिस्ट तो यहाँ पर नहीं रुक सकते। लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए ये होटल खुला हुआ है और ख़ासकर बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स, बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मी दुनिया वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े रईस फैमिली होते हैं, वे यहाँ पर ज़रूर आते हैं।
तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अभी पैलेस के बाहरी लॉन के बाहर, एक दाहिनी तरफ एक विंटेज कार्स की एक सीरीज रखी हुई है, यानी विंटेज कार्स का कलेक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर पुरानी पुरानी जो आज़ादी से पहले 70-80 साल पुरानी 1940, 1920, 1930 यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले के आसपास के कुछ पुराने कार्स के मॉडल यहाँ पर रखे हुए हैं। और चूँकि यहाँ पर आगे में फ्रंट में एक ग्लास लगी हुई थी तो पीछे का हिस्सा जो ज़्यादा दिख रहा था, और परछाई के कारण यहाँ पर अंदर का जो कार वाला जो हिस्सा है, यानी कार पूरी तरह से ठीक से यहाँ दिख नहीं पा रही है, क्योंकि पीछे उमेद भवन पैलेस की जो है वो कांच में उसकी इमेज आ रही है, इस कारण ठीक से वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अपने आँखों के चारों तरफ आप हाथ रख कर इसे देख पाएंगे, वैसे कैमरे में ये ठीक से आ नहीं पा रहा है। तो ये बोर्ड पे उसमें कार मैन्युफैक्चरर जो थी उसके नाम और कार की डिटेल्स वगैरह रखी हुई है। काफ़ी बड़ी बड़ी कारें हैं आज के ज़माने की कार से, ये काफ़ी हैवी लग रही हैं, और उस समय की ये रॉयल कार हुआ करती थी जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। और अभी भी इनकी कीमत यहाँ पर तो खैर ये तो अभी कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये हेरिटेज बन चुकी हैं और इनकी कीमत अभी करोड़ों में होगी। तो चलिए दोस्तों, उमेद भवन पैलेस का ये सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है, तब तक आप बाकी विंटेज कारों का मज़ा लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको राजस्थान के और भी कुछ कुछ जगहों के बारे में दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।